नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी द डिक्टेटर। ये द डिक्टेटर किसको कहा गया? ये मोदी साहब को कहा गया डिक्टेटर। और एक यूट्यूबर है इंडियन ध्रुव राठी, बहुत ही फेमस है और बहुत ही मिलियंस में के बगैर उनकी कोई वीडियो भी नहीं है। और वो ये वीडियो जो है ये टारगेट किया गया स्पेशली मोदी सरकार को। और क्यों करा गया, मैं खुद ये वीडियो देखकर हैरान रह गया कि इतने 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 सारे उसमें उस बंदे ने अपने ही कुछ बनाए हुए फैक्ट हैं। चलिए फिर देखते हैं। आज रिजवान साहब ने भी उस पे काउंटर में वीडियो बनाई है, अगर है उसमें उसकी वीडियो में दम। लेकिन जिस तरह से वो वीडियो ट्रेंडिंग में गई है, जिस तरह उसके व्यूज मिले हैं उसको, और मेरा ख्याल है कि मोदी विरोधियों ने समझ लिया है कि ये वीडियो एक वीडियो ही हमारा काम कर जाएगा। और मुझे इतनी ज्यादा वो वीडियो मैसेजिंग में मिली तो मैंने देखा, तो मैं खुद इन सब चीजों पे हैरान है। आइए मिलके देखते हैं रिजवान सर की ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए मैं शुरू करते हैं। इनका मैं क्या काउंटर करूं यार, गूगल की इनकी इनकी जो नॉलेज है वो कुकू एफएम की तो पैदाइश है, वो गूगल की तो पैदाइश है। 2014 के बाद देश का इतिहास के बता रहे हैं। अबे 1947 से बताओ ना, अबे कब तक बोलूं, इतना बोल लिया हूं कि इमरजेंसी के बारे में बोलने का टाइम ही नहीं है। हाँ तो साहब, 2-3 दिन में बाहर था। जब मैं बाहर था तो 4-5 लोगों ने मुझे एक वीडियो भेजा, उस पे का जो थंबनेल था वो था द डिक्टेटर। तो जब मैं हाथ में नारियल लिए, क्योंकि नारियल के अंदर नारियल पानी नहीं था, जौ का पानी था, तो मैं चिंतन कर रहा था कि यार लोग कितने मूर्ख हैं। एक तो है द डिक्टेटर और एक वीडियो का नाम यह भी हो सकता है द बच्चा, प्रश्न चिन्ह के साथ। मैं ना बच्चा किसी को कह रहा हूं, ना उसने किसी को डिक्टेटर बोला। लेकिन मैंने उसको एक बार जब केरला स्टोरी की बात हुई थी, मैंने इस बच्चे को बताया था, यार तू एआई पर वीडियो बना, तू टाइटैनिक कैसे डूबी इस पर वीडियो बना, तू अंडा मुर्गी पर वीडियो बना, तुम किसी और चीज पर वीडियो बना, तू खेती पर वीडियो बना, तू आर्टिफिशियल रेन कैसे होगी उस पर वीडियो बना। भाई तू किसी पर वीडियो बना, बड़ी अच्छी बात है, कुकू से और अपने गूगल से डेटा ले, इधर से उधर से चीजें निकाल और वीडियो बना दे, तेरे चलेंगे, अच्छे चलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन उस चीज पर वीडियो ना बना जिसका तुझको ज्ञान नहीं है, क्योंकि तू अभी 10 साल पुराना ही एक यूट्यूबर है। तूने इससे पहले कभी किताबें पढ़ पढ़ के इस टॉपिक पर, ऐसे टॉपिक्स पर चिंतन नहीं किया है, जैसे आतंकवाद, आईसिस, केरला स्टोरी, कश्मीर स्टोरी। तेरा जो भी ज्ञान होगा वो बहुत हल्का होगा और बहुत कुछ सालों का ही होगा। तो इस बारे मैंने केरला स्टोरी के भी टाइम किसको बताया था कि मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले नीले, तुम ऐसे टॉपिक पर वीडियो ना बनाओ जिनके शेड्स, जिनके न्यूएंसेस, जिनकी पुराना इतिहास, जॉइनिंग द डॉट्स, कहानी के अंदर की कहानी, चोर पे मोर तुम्हें नहीं पता है, और कुकू एफएम और गूगल ये तुमको नहीं दे सकता है। तो इसने भाई एक वीडियो बनाया द डिक्टेटर करके, और शुरू से आखिर तक लेकर इशारेबाजी में सही इन्फ्लुएंस करने के लिए मन बनाया कि भैया चुनाव से पहले इन्फ्लुएंस करूं लोगों को कि कैसे भारत एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होता जा रहा है। वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, तू जितने वीडियो बना ले आएगा तो मोदी ही। लेकिन एक बात है जो तेरी और इस आदमी की मूर्खता या बचपन, बचपन की गवाही देती है, नादानी की गवाही देती है, कि अगर हम ये कहें हमें भारत पर वीडियो बनाना है, मान लो, तो हम भारत को कहां से उठाएंगे? कोई रामायण से उठाएगा, कोई महाभारत से उठाएगा, पर कोई चंद्रगुप्त मौर्य से उठाएगा, विक्रमादित्य से उठाएगा, अशोका महावीरा से उठाएगा। लेकिन क्या आप भारत पर वीडियो 1947 के बाद बना सकते हो कि हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ? वो इस मारे क्योंकि तुम्हें कुकू एफएम से और गूगल से इतनी ही तुम्हारे पास जानकारी है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, अगर तू चुनाव से पहले किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये वीडियो बना रहा है कि देश में कैसे डिक्टेटरशिप आ रही है
और मेरी जान तेरा वीडियो 2014 के ही बाद क्यों शुरू हो रहा है? वो इस मारे हो रहा है क्योंकि शायद कुकू ने या गूगल ने तुम्हें तुम्हारी टीम को इतना ही ज्ञान दिया होगा। तो आज मैं बताता हूं कि अगर हम इस आलोचना को सही मान भी लें तो जरा पीछे चलकर देखते हैं आजादी के टाइम से कि इस देश में कब किस दौर में कौन कौन डिक्टेटर रहा, और डेमोक्रेसी के नाम पर जैसे वो समझा रहा था ना, मैंने शुरू में देखा कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि आप वोट डालाएं और कोई सरकार चुन जाए। डेमोक्रेसी तो नॉर्थ कोरिया में भी है, डेमोक्रेसी तो रशिया में भी है। मेरी जान ये रशिया जैसी डेमोक्रेसी नहीं है। रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाला दुनिया में कहीं भी हो ठांस दिया जाता है। तू जो बढ़ के आगे बढ़ के बोल रहा है यही बात ये साबित करती है और जाहिलों का पत्रकार कि इस देश में वाकई डेमोक्रेसी है, वाकई डेमोक्रेसी है। तो आइए आज देखते हैं कि अगले की नॉलेज कितनी हल्की है और कितनी कम है, क्योंकि शायद कुकू ने या शायद गूगल ने इसे पूरी जानकारी नहीं दी कि देश में डिक्टेटर डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप कब से आ गई थी। आइए उस पर एक थोड़ी लंबी सी चर्चा करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो हां भैया, इज इंडिया कन्वर्टिंग इनटू ए डेमोक्रेसी? तो चलिए आज थोड़ी कुकू एफएम और गूगल की नॉलेज से बाहर निकलते हैं और कुछ चीजों को जोड़ते हैं, कुछ चीजों को जोड़ते हैं और बच्चों को, नादानों को, मूर्खों को जो 10 साल पहले क्योंकि आ गए तो सब्सक्राइबर ज्यादा हो गए, काश हम भी 10 साल पहले आ गए होते, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो देखते हैं कि इस देश में आजादी के लगभग वक्त से कैसे कैसे डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप का खेल खेला गया जो इसको सिर्फ 2014 के बाद ही नजर आ रहा है। चलिए पहली घटना, सबसे पहले इस देश में डिक्टेटरशिप पता है कब शुरू हुई? इस देश में डिक्टेटरशिप सबसे पहले यह शुरू हुई जब महात्मा गांधी जी ने यह घोषणा कर दी कि मेरा प्रिय लाल नीला पीला जवाहरलाल नेहरू है, मैं उसको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, कांग्रेस का अध्यक्ष देखना चाहता हूं। तो जो 15 प्रोविजनल कमिटीज थी कांग्रेस की, जाहिर बात थी ये माना गया कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो ही देश का प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि अंदर अंदर अंग्रेजों में और कांग्रेस में इलू इलू चल रही थी कि बाकी राइट विंग, फलाना विंग, आरएसएस विंग, इनको जूते मार के अलग करो और यार जाते हुए हम तुम्ही को तो सत्ता दे के जाएंगे कि तुम्हारी दम पर हमने मौज की है। तो भैया जब 15 प्रोविजनल काउंसिल्स में, प्रोविजनल सीट्स में, कमिटीज में कांग्रेस का चुनाव हुआ तो भैया 12 ने कहा कि भैया पटेल साहब ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे अध्यक्ष होंगे। अब सवाल उठता है क्या 3 ने कहा कि नेहरू जी होंगे? ना 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 ना, 3 ने वोट देने से ही मना कर दिया, यानी नेहरू जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने ये चुनाव हारे थे 12-0 से। लेकिन नेहरू जी ने कहा ना, ये मेरी जिद है, ये लोकतंत्र के नाम पर मेरी तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी के नाम पर मेरी डिक्टेटरशिप है, मैं ही इस देश का लाल नीला पीला हूं और मैं ही इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मेरे बच्चे। What a shame. तो इस देश में मेरे लाल इस दिन से लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही, डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप शुरू हो गई थी। और तुम्हारे लाल लाल बहादुर शास्त्री नहीं, तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, तुम्हारे लाल नीले पीले हरे गुलाबी चाचा जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। डेमोक्रेसी के नाम पर इस देश में जो पहला चुनाव हुआ वो 12-0 से हारने के बाद। तो मेरे लाल नीले पीले ध्रुव, यहां से शुरू हुआ इस देश में डिक्टेटरशिप का खेल। अब आगे चलते हैं, ये तो पहला किस्सा था। दूसरा किस्सा मेरे लाल नीले पीले यहीं से शुरू हो गया। कब से? 10-20 साल बाद? ना ना, 1950, 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान। और हां मेरे लाल नीले पीले ध्रुव, मेरे पास, मैं टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता हूं क्योंकि दिमाग की हार्ड ड्राइव से मेरी चीजें निकलती हैं,
बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाए तो बस वहीं पर कट होता है। मेरे लाल में टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता हूं। तो भैया हुआ ये कि 1950 में भारत का संविधान धरातल पर उतार दिया गया। 26 नवंबर शायद 1949 में इसको एडमिट कर लिया गया था, इसको मान्यता दे दी गई थी, उतार दिया गया। अब इसमें एक बड़ी बढ़िया धारा आई मेरे लाल मेरे ध्रुव, 356 ये कहती थी कि केंद्र की सरकार किसी भी राज्य के सरकार की अगर उसकी वर्किंग से संतुष्ट ना हो फलाने फलाने बहाने से उसकी सरकार गिरा सकती है, जोर जबरदस्ती करके गिरा सकती है। ठीक है भाई, तो ये 356 आई कहां से मेरे लाल ध्रुव? ये 356 आई मेरे लाल, जो तुझे कुकू ने या गूगल ने नहीं बताया होगा, आर्टिकल 93 से, एक्ट 1935 का बना, उसमें अंग्रेजों ने मेरे लाल ये तय किया कि हम भारत को अपने अपने प्रोविंस में सरकार चलाने देंगे लेकिन इसकी कमांड हम दिल्ली में केंद्र में रखेंगे। तो उन्होंने उसमें सेक्शन 93 डाला जिसने उनको यह अधिकार दिया कि आप जब चाहें किसी भी प्रोविजनल काउंसिल की सरकार अपने भेजे हुए गवर्नर के दम पर गिरा सकते हैं। इस बात का कांग्रेस ने बड़ा विरोध करा क्योंकि अधिकतर प्रोविंस में सरकार कांग्रेस की जीती थी, बड़ा विरोध करा कि उन्होंने कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह दादागिरी है, यह दबंगाई है। लेकिन जब भारत के, मैं तो कहता हूं, महान ऋचेताओं ने, महाज्ञानियों ने, महाराष्ट्रवादियों ने जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई, भैया बुरा ना मानना, कोई गलत बोल रहा हूं तो काट लाके दिखा दे, कुकू एफएम की नॉलेज नहीं है और ना ही टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोलता हूं, तो भैया उन्होंने कहा कि अब देश जब आजाद हो ही गया है तो सेक्शन 93 जिसका हम विरोध करते थे यार, उसको खत्म ना करो यार, उसको संविधान का हिस्सा थोड़ी अलग भाषा बदल के 93 की तरह 356 बना दो, जिसके दम पर हम सरकार इस देश में जो भी बने वो गिरा सकते हैं। तो मेरे लाल ध्रुव, जिस दिन सेक्शन इंडिपेंडेंस एक्ट का 1935 का सेक्शन 93 जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था आजादी मिलने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसी कांग्रेस पार्टी ने और महान रचयिताओं ने और ज्ञानियों ने ये तय कर लिया कि 93 को खत्म नहीं करेंगे, जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था अब हम नए अंग्रेज बनके इस देश का शासन चलाएंगे, जब मन चाहेगा कोई गवर्नर अब भेजकर उसकी सरकार गिरा देंगे। तो मेरे लाल नीले पीले ध्रो, इस देश में लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही, डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप उसी दिन खेल दी गई थी जिस दिन संविधान का 356 को हिस्सा बना दिया गया था। What a shame. अच्छा, जब बना दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ? ऐसे ही बना दिया गया? ना 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 ना, जानबूझ के बनाया गया। संविधान धरातल पर कब उतरा था मेरे लाल? संविधान धरातल पर उतरा था 26 जनवरी 1950 को और 20 जून 1951 में इसी 356 धारा का लाभ उठाते हुए तुम्हारे लाल नीला पीला हरे गुलाबी चचा नेहरू ने पंजाब की सरकार गिरा दी थी, सिर्फ दादागिरी से, क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री के साथ उनकी कुछ अनबन हो गई थी। उसके बाद केरला में वामपंथियों की सरकार गिरा दी और उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी ने आकर इसी तरीके से 1966 से 1977 के बीच में 35 बार सरकार गिरा दी और उसके बाद जब वो 77 के बाद आई 84 तक, उसके बाद 15 बार गिरा दी। सब मिला के चचा नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने और अलग अलग टाइमों में 90 बार सरकार 356 के दम पर गिराई, जिसका कोई भी कारण नहीं बताया। कारण सिर्फ इतना था कि वो हमारी छतरी के नीचे, हमारे अंगूठे के नीचे वहां का मुख्यमंत्री नहीं रह रहा था, रहने को तैयार नहीं हो रहा था।
तो मेरे लाल धरो, ये तीसरी बड़ी घटना थी जब लोकतंत्र के नाम पर इस देश में तानाशाही का नंगा नाच खेला गया था, डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप का नाम। अरे पूरी स्टोरी बता ना। अरे कुक्कू ने यार तुझे पूरी नहीं बताई तो मुझसे पूछ लेता ना, मैं पूरी बता देता। जो मोदी जी ने डिक्टेटरशिप करी चल मान लेता हूं, वो भी बता देता, पर पूरी तो कहानी लेके चल यार किसी टॉपिक की, या वहीं से कहानी उठाएगा जो तेरे सब्सक्राइबर्स को सूट करता होगा। अब आगे चलो, अब यहां पर किस्सा खत्म नहीं हुआ। 1951 में जम्मू एंड कश्मीर के मेरे लाल ध्रुव चुनाव हुए, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की आपस में बहुत छंती थी। उन्होंने कहा भैया प्रधानमंत्री तो तुम ही बनोगे। उस जमाने में मेरे लाल जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री बनता था, चीफ मिनिस्टर नहीं बनता था। तो 1951 के चुनाव में 75 सीटें लड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस और 75 की 75 जीत गई, जिसमें 73 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना लड़े जीत गई, वॉकओवर मिल गया, क्योंकि दूसरे सामने के प्रत्याशियों के सबके पर्चे ही नामांकन ही कैंसिल कर दिए गए। और जम्मू कश्मीर की पार्टी जो राइट विंग से अपना ताल्लुक करती थी प्रजासभा, उसको चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया गया। तो मेरे लाल ध्रुव, ये शायद अच्छा गिन भी नहीं पाऊंगा कब कब लोकतंत्र के नाम पर इस देश की आजादी के बाद तुरंत तानाशाही खेली गई थी। तो भैया वहां का चुनाव में महा बेईमानी करी गई, सिर्फ डंडे के दम पर और तानाशाही के दम पर। चलो भैया, उसके बाद हुआ ये मेरे लाल ध्रुव कश्मीर में कि भैया शेख अब्दुल्ला से पटनी बंद हो गई, पटनी बंद हो गई किसी वजह से। उन्होंने नहीं सुनी, वो थोड़ी अकड़ अकड़ दिखाने लगे 370 को लेके, 35 ए को लेके वगैरह वगैरह। तो नेहरू जी ने कहा मैं लोकतंत्र के नाम पर जीता हुआ एक तानाशाह हूं, चल जेल में। उन पर कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस का कि ये भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उन पर आरोप लगाया गया मेरे लाल ध्रुव। और एक मुख्यमंत्री को 11 साल के लिए, प्रधानमंत्री को 11 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, उस आदमी ने से ये कहकर कि तुम्हारी अब मेजॉरिटी वहां की विधानसभा में नहीं रह गई है, पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट कहलाता था, उसने कहा मेरी रह गई है, मुझे मौका तो दो अपनी मेजॉरिटी शो करने का। तो कहा गया ना ना ना, हम कह रहे हैं कि तेरी मेजॉरिटी नहीं कह रह गई है, तूने देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी है, जेल में जा 11 साल के लिए। और बख्शी गुलाम को वहां का, अपने एक चेले को, चमचे को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन जब 11 साल बाद शेख अब्दुल्ला से फिर से काम पड़ा तो कहा गया जाओ तुम्हारा मुकदमा हम वापस लेते हैं, तुम्हें हमने माफ किया। और फिर शेख अब्दुल्ला को बाहर निकाल लिया गया। तो मेरे बच्चे, कश्मीर का बुरा हाल तेरे चचा नेहरू की डिक्टेटरशिप तानाशाही की वजह से 1951 में शुरू हो गया था, और यही डिक्टेटरशिप 1987 में फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलके तुम्हारे चचेरे भाई राजीव गांधी जी ने की थी। और उसके बाद का सिलसिला, खैर आतंकवाद की कोई वजह नहीं हो सकती पर कोई बहाना जरूर हो सकता है। तो 1987 के चुनाव को जहां कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने जो तानाशाही का नंगा नाच खेला था, वो एक बहाना बना जो कश्मीर घाटी में आतंकवाद आया। वजह तो नहीं बोल रहा पर हाँ बहाना बोल रहा हूं। तो बेटा लाल, तुझे तो सिर्फ 2014 के बाद की तानाशाही नजर आ रही है। अभी वीडियो जरा लंबा है मेरे बच्चे, पूरा देखिए और तेरे चाहने वाले भी पूरा देखें कैसे तेरे धागे टी शर्ट के मैं तार तार करता हूं। आगे बढ़ते हैं और बताऊं कि लोकतंत्र के नाम पर इस देश में तानाशाही कब हुई। तानाशाही हुई हिंदू कोड बिल कर नाम पर, मेरे लाल ध्रुव, हिंदू कोड बिल के नाम पर। कि राष्ट्रपति बोल रहा था कि हिंदू कोड बिल तभी आना चाहिए जब देश में यूसीसी आनी चाहिए, सरदार पटेल बोल रहे थे तब आना चाहिए जब देश में यूसीसी आनी चाहिए, हर आदमी ये बोल रहा था देश में तब आना चाहिए जब देश में यूसीसी आनी चाहिए, पर तुम्हारे लाल नीले पीले चचा नेहरू ने कहा ना ना, मेरी तानाशाही है,
हिंदू हाथ पैर मारता रह गया, छटपटाता रह गया। उसने कहा लेके आना है तो सबके लिए लेके आओ, हम मान जाएंगे। लेकिन ये इस देश में नहीं होगा कि एक देश में चार कानून चलेंगे। हम पर मॉडर्न लॉ चलेगा। हमारे तुम ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारी मनुस्मृति को तुम कूड़े में फेंक दोगे, हमारे ऊपर एक नया कानून डाल दोगे और दूसरों को अपने अपने कानूनों में जीने दोगे। तो चचा नेहरू ने कहा नया कानून का डालना है, हम नाम रख तो रहे हैं उसका हिंदू कोर्ट बिल, नाम थोड़ी रख रहे हैं नेशनल कोर्ट बिल या इंडियन कोर्ट बिल, हिंदू कोर्ट बिल रख तो रहे ना नाम, इतना नहीं है तुम्हारे लिए काफू। और डंडे के जोर पर चार टुकड़ों में सही हिंदू कोर्ट बिल को 1955 में पास कराया गया और लोग लड़ते रह गए कि नहीं ये गलत है, अगर देश में आ रहा है तो यूसीसी आए, वरना हर आदमी के जो निजी जिंदगी है, जो सिविल लाइफ है, जो उसके डोमेस्टिक लॉज हैं, वो उसकी धर्म उसकी आस्था के नाम पर होने चाहिए। लेकिन चाचा नेहरू ने नहीं सुना, उन्होंने कहा ना यहां पर अकलियतों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, भले पाकिस्तान मजहब के नाम पर बन गया है और जितनी लाठी चलानी होगी मैं हिंदुओं पर चलाऊंगा। तो लोकतंत्र के नाम पर यह एक और घटना थी जो आजादी के नाम के कुछ वर्ष बाद ही लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही का नंगा खेल खेला गया। तो आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, बहुतों को पता होगा, ये तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि किसी को पता ना चले। तो भैया भारत रत्न, हाँ भैया, ये तो साहब एक प्रकाष्ठा थी जहां पर लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही का नंगा नाच खेला गया। हमारे पंडित नेहरू जी वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, रशिया टूर पर जाते हैं, यूरोप टूर पर जाते हैं और भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराकर वापस आते हैं, भारत की एक पहचान बनाकर वापस आते हैं, आजाद भारत की। भारत की तो पहचान हमेशा से थी। तो भैया वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति श्री राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको लेने जाते हैं। क्या आप तसव्वुर और कल्पना भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने जा रहा है? कहा गया भैया उनका तो मन था, उनका मन था किसका? राजेंद्र प्रसाद जी का। वो तो आजादी के लड़ाई के मित्र थे, सहयोगी थे। लेकिन लोकतंत्र के बाद अगर एक राष्ट्रपति बन गया था तो उससे ये नहीं कहा गया कि नहीं आप नहीं जा सकते ना, आपका मन नहीं चलेगा, प्रोटोकॉल इसकी की इजाजत नहीं देता है, ये गरिमा के खिलाफ है राष्ट्रपति का। लेकिन मुंह में सबके दही जम गई कि राष्ट्रपति आ रहा है तो भाई आने दो। तो भारत के इतिहास में ये पहली और आखिरी घटना है जहां राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। उसके बाद राष्ट्रपति ने रात्रि भोज रखा राष्ट्रपति भवन में। आहा, अचानक खाना चल रहा था तो राष्ट्रपति साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ये निश्चय किया है कि हमारे लाल नीले पीले जवाहरलाल नेहरू साहब को भारत रत्न दिया जाएगा। और पूरे बैंकुट में तालियां बजने लगी और अचानक जवाहरलाल नेहरू साहब एकदम स्तब्ध रह गए और यूं करके राष्ट्रपति की तरफ देखने लगे, मुंह में दही जम गई थी, कुछ उसके बाद बोल नहीं गए और कहा लाओ दे दो, और ले लिया। हाँ मेरे लाल ध्रुव, ऐसा हुआ है इस देश में लोकतंत्र के नाम पर, लाओ दे दो। हाँ, और 1971 की लड़ाई जीतने के बाद इतिहास अपने को दोहराता है। राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज चल रहा है, वीवी गिरी साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि इंदिरा इस देश की बेटी हैं, मैंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ये मन बनाया है कि मैं भारत रत्न इंदिरा जी को देना चाहता हूं। इंदिरा जी तब मुंह खुला रह गया, मुंह में दही जम गई, हरिओम लाओ दे दो। हाँ मेरे लाल ध्रुव, ये हुआ है इस देश में। और फिर कहा गया कि चाहे एयरपोर्ट जाना हो, चाहे जवाहरलाल को भारत रत्न देना हो, चाहे इंदिरा गांधी को भारत रत्न देना हो, ये तो भैया राष्ट्रपति की मर्जी थी कि उनको उन्होंने दे दिया, उन्होंने खुद थोड़ी अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत रत्न लिया। तो ये हुआ है इस देश में। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बता दूं, जवाहरलाल नेहरू से मैं तो आगे नहीं निकल पा रहा हूं कि साहब आप लोगों को पता है पहला अमेंडमेंट संविधान में कब आया? संविधान तो महाज्ञानियों ने बनाया था ना,
चाहे आप इसे व्यंग मान लो, चाहे मेरा चैलेंज मान लो, कुछ मान लो, महाज्ञानियों ने बनाया था। तो साहब सन 50 में संविधान धरातल पर उतरा 26 जनवरी को, और आपको पता है पहला अमेंडमेंट कब आया? 1951 में, साल भर बाद। वो चीज जो महान ज्ञानियों ने लिखी थी, वो भैया एक साल में कमी लगने लगी उसमें कि इसमें तो लोचा है, और आर्टिकल 19 का पहला अमेंडमेंट आ गया जहां पर था फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी। और सरकार ने कहा कि इस लोकतंत्र को ताक पर रखते हुए अभिव्यक्ति, उसका कारण बता दूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग इनसाइट दे रहा हूं जो कुकू एफएम पे ध्रुव को नहीं मिलेगी, या किसी को नहीं मिलेगी, या व्हाट्सएप में नहीं मिलेगी, ये किताबें पढ़ने से ये चीजें मिलती हैं। हाँ, एक बार अगर पढ़ लो तो ढूंढो तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक, तो भैया उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि वामपंथी कुछ जेलों में मारे जा रहे थे, बंगाल के बंटवारे को लेकर रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा था, दक्षिण भारत में कुछ वामपंथी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाती है, यानी थाने में मार दिए जाते हैं लाठी डंडे से, तो प्रेस उसके खिलाफ लिख रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, ना 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 ना, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने पूरी दुनिया का हवाला देते हुए, संविधान के आने के मात्र एक साल बाद, पूरी दुनिया का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी पर मोरालिटी की, पब्लिक ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर की मोहर लगा दो, जिसके दम पर हम फ्री प्रेस को फ्री ना रहने दें। ये जो आप आज देखते हैं कि जो लोग बयानबाजी करते हैं और जिन पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत वो लोग अपनी गवाही देते हैं कि हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उन पर अलग अलग धाराओं पे मुकदमा लगता है, किसके आधार पर लगता है? इसके आधार पर लगता है क्योंकि आर्टिकल 19 को कंडीशनल कर दिया गया कि आप जो भी जी। तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था डिक्टेटर, और उस पर रिजवान साहब ने पूरा उसका इनकाउंटर किया है, काउंटर किया है उसका, बल्कि इनकाउंटर ही कर दिया है। बात ये है कि आज मोदी साहब के लिए मैं समझता हूँ कि मुद्दा कोई नहीं है जिसपे जो उसका विपक्ष है वो सियासत कर सके। ऐसा मुद्दा कि जैसे हमारे यहाँ पे सियासत चलती है कि गरीबी है यहाँ पे, बेरोजगारी है यहाँ पे, डिक्टेटरशिप भी है, डिक्टेटरशिप ही अपने मोरों को पीछे से डोरियां उनकी हिलाती है जो करना हो। हमने यहाँ पे लोगों को कानून पास करवाने के लिए, कुछ भी पार्लियामेंट में करवाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, सही जो वाले जो डिक्टेटर हैं पीछे बैठ के वो लोगों को फोन कर करके, बंदे पूरे कर करके यहाँ पे कानून पास करवाते थे। यहाँ पे दूसरी पार्टी की मेजोरिटी होने के बावजूद भी वो वहां पे हाथ जाते थे, और हम देखते थे यार ये यहाँ पे क्या करिश्मा हो गया। शायद लोग अपने देश के साथ इतने लॉयल हो गए हैं कि अपनी पार्टी की नहीं सुन रहे, यहाँ पे अपने देश के लिए कानून बना रहे हैं। तो एक बंदा तो सर चढ़कर बोलता था यहाँ पे कि मुझे हर एक चीज करवाने के लिए बाजवा जो था, बाजवा से बेस्ट बंदा कोई नहीं था जो ये सब कुछ करवाता था पीछे बैठ के। तो ये होती है डिक्टेटरशिप, ये नहीं होती कि एक बंदे ने काम इतने कर दिए, उसका काम के पीछे तुमको दूसरी साइड पे दिखाने के लिए कख ना हो, और फिर तुम उसके विरोध के लिए बनाओ कि मोदी साहब डिक्टेटरशिप है। जब चाहते हैं किसी की सरकार गिरा देते हैं, जब चाहते हैं किसी को अपने मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं, हर वो चीज कर लेते हैं। अब देखिए एक बंदा है, मैं कहता हूं किसी और चीज पे ना जाए, सिर्फ उनका जो मोदी साहब का सोशल मीडिया है सिर्फ उसको फॉलो कर लिया जाए। अगर तो वो अपने 18 घंटों में देखिए कितने काम करते हैं, एक दिन में एक काम नहीं, वो हजारों काम कर जाते हैं एक दिन में, और वो किसके लिए? अपनी जात के लिए करते हैं, उनकी तो अपनी फैमिली और परिवार भी कोई नहीं, वो इस देश के लिए काम करते हैं। और मेरे ख्याल में ऐसा कोई बंदा और किसी पार्टी के पास है ही नहीं जो इतना काम कर सके। तो फिर सहारा लेना पड़ता है ऐसे यूट्यूबर्स का, और उनको एक डिक्टेटरशिप बताकर, उनको एक ऐसा बताकर। और देखिए यहाँ पे एक और बड़ी मजेदारी की बात है, जिस तरह से ये वीडियो ट्रेंडिंग कर रही थी दो दिन तक हिंदुस्तान में, और शायद अभी भी कर रही हो, तो
जितनी भी बात है मोदी सरकार के खिलाफ, जितना भी विरोधी बोलते जाएंगे, लोग उनको देखने वाले भी बहुत हैं। ये बात नहीं है कि सिर्फ आप, हमें लोग कहते हैं कि भाई तुम मोदी मोदी करते हो, तुम्हें व्यूज चाहिए इसलिए तुम करते हो, अंदर से तुम भी उसके खिलाफ हो, ये वो ऐसी बातें करते हैं। तो भाई देख लीजिए, अंदर से जो मोदी विरोधी जितना होता है उसको उतनी ज्यादा सपोर्ट कहाँ से मिलती है? हिंदुस्तान से ही मिलती है, क्योंकि सारे मोदी की सपोर्ट में नहीं है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिसके सीनों पे सांप लौटते हैं कि भाई हम इसका तोड़ कैसे निकालें, मोदी साहब की सरकार को हम गिराएं तो गिराएं कैसे, हम वोट लोगों को कैसे बिना कारकर्दगी के लोगों को मुतमिन कर लें कि भाई हमें भी वोट दो, हमने तो करा ही कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हमें वोट दो कि मोदी साहब इतना काम कर गए इस देश के लिए, इतनी स्पीड दे दी इस हुकूमत को, इस की गवर्नेंस को, इसके पांचवी बड़ी मुश्किल बना दी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी लोगों को इससे भी और ज्यादा अगर चाहिए तो मैं कहता हूं कि पागलपन की इंतहा ही है। अच्छा ये चीज है कि वो फॉर एग्जांपल जैसे रिजवान सर कह रहे थे कि ये गूगल नॉलेज जो है, ये गूगल का जो ज्ञान इन्होंने लिया हुआ है वो उससे बाहर निकल के थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ लें, तो ये चीज है कि अब ये देखिए कि मोदी ने उन्होंने तो बता दिया ना कि कब कब डिक्टेटर रही है, आज वो जिस पार्टी के विपक्ष में कांग्रेस ने कब कब डिक्टेटरशिप की है, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में उन्होंने फर्क बता दिया कि भाई ये फर्क है। और मोदी जी के जो विरोधी हैं उनको यार ये इतना इतनी बड़ी मुईशत, इतना कद काठ, वो दबदबा जो इंडिया का बना दिया है मोदी जी ने बना दिया है, वो हर चीज को एक साइड पर रख दें, ये देखें कि इंडिया का पूरी दुनिया में कितना नाम रोशन कर दिया है, कोई भी ऐसा नेगेटिव जो है काम नहीं सामने आता, सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, कोई भी ऐसी सहूलत या ऐसा उन्होंने योजना नहीं निकाली जो हिंदुस्तानी अवाम के खिलाफ हो, उन्होंने सिर्फ गरीब अवाम की भलाई के लिए जो भी उन्होंने निकाला है वो गरीब अवाम की भलाई के लिए निकाला है। तो अब लोग इनका विरोध करें, देखे वो पहले वो किसान आंदोलन किया, वो उन्होंने वो अभी चल रहा है, लेकिन ये बात है कि वो किस लिए किया इन्होंने, ये सियासत ही कर रहे हैं उसके पीछे भी, जो भी मुद्दा अब ये गर्म कर रहे हैं वो सियासत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तो इनके पास है नहीं। भाई जब भी देखिए कि जब भी ये पिछले स्टेट चुनाव आते हैं, जब भी इंडिया में चुनाव आता है तो फिर ऐसे मुद्दे कोई ना कोई दंगा सामने आते हैं। और चीज ये है कि देखिए कि मैं कहता हूँ चलो जी गौरव रेठी ने वीडियो बना दी थी उसके ऊपर जो है ना मोदी जी की जो है ना वो परफॉर्मेंस खत्म नहीं हो जानी थी, लेकिन उसके ऊपर काउंटर करने के लिए इन्होंने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए, अपने आप को नंगा कर रहे हैं सारे के सारे, चाहे रिजवान सर हैं, चाहे कोई भी काउंटर कर रहा है उसको, कोई भी करे और जितने भी काउंटर करें अपने कपड़े उतार रहे हैं, इंडिया के कपड़े उतार रहे हैं, और मुझे ये अच्छा नहीं लगा। चीज ये है कि मुझे आज से पहले नहीं पता था, हम यहाँ पे यही बताते थे कि देखिए जी 1947 से लेकर 1971-72 तक जो नेहरू जी की मुतवत्ता जो है वहां पे जो है ना वो जमहूरियत रही है, डेमोक्रेसी रही है, और आज वो बता रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी नहीं थी, वो जो थी डिक्टेटरशिप थी। तो चीजें यही है, अब मुझे नहीं पता था आज से पहले कि 90 स्टेट्स के अंदर जो है 90 बार वो ना स्टेट्स की गवर्नमेंट जो है ना वो गिरा दी गई है, आज मुझे पता चल रहा है क्यों चल रहा है, क्योंकि एक हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानियों के कपड़े उतार रहा है और एक दूसरे को काउंटर कर रहा है। तो भैया एक दूसरे को निचला करने के लिए अगर एक यूट्यूबर है वो उस बच्चा है ना, लाल है, नीला है, पीला है, उसकी व्यूअरशिप है तो वो इंडियन ही उसको व्यूअरशिप दे रहे हैं, पाकिस्तानी उसको व्यूअरशिप नहीं दे रहे। तो चीज ये है कि उसकी वीडियो ट्रेंड कर रही है, पाकिस्तानी भी दे रहे क्यों नहीं देते, चले पाकिस्तानी भी दे रहे होंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं दे रहे होंगे जितनी ज्यादा वहां पे इंडिया पे जो है ना उसको व्यूअरशिप मिल रही है। और आपको किसी पाकिस्तानी ने उसकी वीडियो सेंड की है? पाकिस्तानी हमारा चैनल देखते हैं, आपको कितने लोगों ने वीडियो सेंड की, वो सारे इंडियन ही है ना, तो चीज ये हमने देखा जाता है, हमने तो उन लोगों ने सेंड कर लिए, तो इंडियन ने ज्यादातर तो इंडियन ने सेंड किया ना। तो यही चीजें भाई मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। देखिए हर एक को दूसरे के खिलाफ बोलने की जरूरत है, वो बोल सकता है, किसी के खिलाफ भी बोल सकता है, मुझे भी इजाजत है कि मैं किसी के खिलाफ बोल सकता हूँ, लेकिन चीज ये है कि जो मुझे अच्छा लगे मुझे वो बोलना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं कहूँ कि मैं जो 10 साल नहीं हुए, मुझे 2 साल हुए यूट्यूब पर बैठे हुए, तो मैं गूगल से पढ़ रहा हूँ, मैं कुकू FM से कर रहा हूँ, तो भैया आप लोग जो के पास ज्यादा ज्ञान है रिजवान सर, तो आप अपने उस ज्ञान का फायदा उठाते हुए इंडिया के कपड़े उतार रहे हो, प्राइम अपने ही प्राइम मिनिस्टर जो पिछले साल का गुजरे हैं उनको ही नंगा कर रहे हो,
और इंडिया की जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो नीचे आप इज्जत जो है ना घटा रहे हो, तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप उनके ऊपर काउंटर कीजिए वहां पे माशाल्लाह, पिछले जो गुजर गया वो गुजर गया है, अब किसी को नहीं पता, हम जैसे नौजवानों को नहीं पता था, हम तो यही कहते रहे कि भाई शुरू से जो है ना उनकी जमहूरियत रही है और आज जाके उनके पास एक लीडर आया है। तो भाई तो मेरे जमहूरियत के अंदर भी डिक्टेटरशिप होती है, ये बिल्कुल भी एक ऐसा देश कभी भी कोई भी नहीं होता कि सिर्फ सिर्फ जमहूरियत हो, फिर होती है। पास भी यही कहा है ना कि भाई आज डिक्टेटरशिप है, ताकत आ जाती है वो अपनी ताकत को जरूर इस्तेमाल कर, यही बात कर रहे हैं गौरव रेठी ने भी, तो फिर यही बात है। जो चमचे होते हैं वो चमचे कच्चे भी बन जाते हैं और सारा कुछ हो जाता है। यही देखिए मैं तो यही बात कर रहा हूँ ना कि यही बात उसने भी की होगी ना, कभी डिक्टेटरशिप थी उस वक्त, अगर नेहरू ने की है, गांधी ने की है, फिर आगे इंदिरा गांधी ने की है, तो ये सारी चीजें आज उन्होंने मोदी जी के ऊपर कह दिया कि डिक्टेटरशिप है, लेकिन आज उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये वीडियो उनके आगे कुछ भी नहीं, कुछ है, भी नहीं है। तो चीज ये है उनकी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, और अगर एक वीडियो से ही सारी परफॉर्मेंस 10 साल की खत्म हो जाती है तो फिर वो कैसी डिक्टेटरशिप है। देखिए ना तो वीडियो से परफॉर्मेंस खत्म हो गई और ना ही उसको काउंटर करने से होगी। दूसरी बात ये है कि उसने जो फैक्ट और फिगर बताए हैं, ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन पार्टी एजेंडा, वो सीधा कह रहा है कि वन नेशन वन पार्टी एजेंडा की तरफ ये बढ़ रहे हैं, ये हिंदुत्व की सरकार चाहते हैं। तो मैं कहता हूं हिंदुत्व की सरकार अगर चाहते हैं तो इसमें बुरा क्या है। आज अगर राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर किन के लिए बन रहा है, सॉरी हिंदुओं के लिए बना है ना, किसी और के लिए तो नहीं बना। अगर राम मंदिर बना है तो पहले कभी इस चीज की हिम्मत कभी किसी ने क्यों नहीं की? क्या हिंदू लोग चाहते नहीं थे कि उनका राम मंदिर 500 बरस से अगर चाहते हैं तो अगर मोदी सरकार उसको पूरा कर सकती है तो पिछड़ों को क्या ऐसी कोई बीमारी लगी हुई थी कि वो ये सारी चीज। डिक्टेटरशिप का मतलब ये नहीं है कि फौज को ही ऊपर मुसल्लत कर दे, डिक्टेटरशिप का मतलब यही है अगर किसी के पास ताकत आ गई है तो वो उस ताकत का नजायज इस्तेमाल करे और करता रहे, उस चीज को काउंटर कर रहे हैं। कब कब किसी ने क्या किया है ये सब देखिए। अब इस चीज के ऊपर आप दूसरी तरफ भी तो देख सकते हैं ना। अब देखिए इस चीज को आप देखिए, मिसाल के तौर पे आप तस्वीर का दूसरा रुख देख लें कि पहले जो है ना 70 सालों से किसी में हिम्मत नहीं हुई, सारे वजीर आजम ही रहे, कोई नहीं बना सका। अब वो कहेंगे कि अब डिक्टेटरशिप आई है तो भाई उन्होंने जबरदस्ती को जो है ना बनवा लिया। ठीक है, इस चीज को दोनों तरफ से देखना चाहिए, एक तरफ से नहीं देखना चाहिए। देखिए उन्होंने कोई गलत नहीं किया, कानून के मुताबिक उन्होंने सारा काम किए, तो एक वीडियो के ऊपर जितना विवाद करें और इसके ऊपर काउंटर करने से अपने ही कपड़े उतारें ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। चले जी कपड़े आप पहन लीजिए दोबारा, साबर सुल्तान साहब उतार के रख दिए आप लोगों के कपड़े। लेकिन यही बात है कि चीजों को समझने में फर्क होता है। हर किसी की समझ एक जैसी कभी भी नहीं हो सकती, और यही वो समझ है राठी साहब समझ रहे हैं कि आज अगर मैं वीडियो यहाँ पे बना दूं इलेक्शन से पहले तो उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ आपके चैनल पर पड़ेगा और किसी पर उसका नहीं पड़ेगा। आएगा तो मोदी, और ये कंफर्म और ये डेफिनेटली है क्योंकि आवाज है आवाम की, ऐसे नहीं है कि उसकी पार्टी तो चाहेगी कि आए मोदी सरकार ही आए, चाहे प्राइम मिनिस्टर उनकी सरकार से कोई और हो जो, लेकिन वो भी नहीं ये चाहेंगे कि मोदी को रिप्लेस करके किसी और बंदे को लाया जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस और ऐसी लगातार परफॉर्मेंस कोई और नहीं दे सकता और नॉर्मल इंसान भी नहीं दे सकता। और ये वो सब चीजें हैं। भारत का कदकाठ ऐसे ही नहीं 9 सालों में बढ़ गया, उसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क है और नेक नीयती है और हुनेस्टी है। आज देखिए एक प्राइम मिनिस्टर जो अपनी सैलरी तक भी ना ले रहा हो, और मैं हैरान हो जाता हूं कि एक ना एक दिन तो प्राइम मिनिस्टरशिप जाएगी, उसके बाद मोदी साहब अपना घर ठिकाना कहां पे करेंगे? ये सब चीजें वो अपने जो गरीब लड़कियां बच्चियां हैं उनकी तालीम पर अपनी सैलरी भी दे देते हैं, तो उनका ना ही अपना को घर बार है, ना ही उनका कोई जाती बैंक बैलेंस उन्होंने बनाए, ना ही उन्होंने कोई सिरे महल बना लिए, ना ही उन्होंने कोई इटली ऑस्ट्रेलिया और कहीं पे जायदादें बनाई हैं। ये वो सारी चीजें जो आपको दिखाती हैं कि आपका जो लीडर है वो कितना ईमानदार है, और फिर ऐसे ईमानदार को लीडर को अगर फिर नहीं चुनती सरकार तो वो अपनी ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब ये तो आवाम को चाहिए ना कि आप उनके खिलाफ जो एक वीडियो बनी है तो उसको जो है ना व्यूज देने वही खिलाफ बनने वाली ज्यादा देखा जाता है। ये तो सिंपल सी चीज है, जितना आप झूठ बोलोगे, जितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, जितना आप ऐसे बैठ के मुंह से झाग निकालना शुरू कर दोगे, लोग उस पे ज्यादा आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उस चीज को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब फिर हमें भी जो है ना इसी पे फॉलो करना चाहिए।
जो हमारा भाई मैं यही बनाने की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल अवाम को नहीं जानना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, झूठ को नहीं सुनना चाहिए। अवाम भाई वो अवाम की अवाम जा चुकी, बादशाह सेंसिबल अवाम है वहाँ पे, तलीम की तरफ उनकी तवज्जो मोदी जी ने करवा दी है, तो वो तो भाई अब वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं। कश्मीरी यार इतने वो मोदी जी के फैन है, इतने वो नारे लगाते हैं, इतने वो देखने के लिए जो है वो मुझे जहाँ जहाँ उन्होंने परफॉर्म किया है पूरे इंडिया में पूरा इंडिया ही ऐसी वीडियो देख दो, वीडियो से जो है ना वो परफॉर्मेंस खत्म, उनका इमेज खराब नहीं होगा, वो छोटा नहीं हो सकता भाई। मेरे किसी ने भी नहीं कहा इस वीडियो का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, बात सिर्फ ये है कि झूठ आप किस हद तक घड़ सकते हो, कैसे घड़ सकते हो, सिर्फ यही बात है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।